कह रहा हूँ आप मेरी बात को सुनो। आप मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं हो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। What the hell, you चाहते क्या हो तुम? ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ और किसे चाहता हूँ। In fact, आपके सामने, मेरे सामने, पूरी फैमिली के सामने बेला ने कन्फेस किया था that she still loves me. Listen, Yui, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज रियलाइज किया कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ना ही रिलेशनशिप ना ही प्यार। पर यहाँ है भाई, ब्लैक व्हाइट सब क्लियर है, भाई बेला को भी सब क्लियर है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बता चुकी है, साफ साफ कन्फेस कर चुकी है कि उसे अपना यूवी चाहिए। आपको पता नहीं किस बात की कंफ्यूजन है। एनीवे, आप मुझे ये बताओ कि बेला ने आपसे ऐसा क्या कहा है जो आपको ये गलतफहमी हो गई कि वो आपसे प्यार करती है? टेल मी। कुछ नहीं, बेला ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन बेला ने मुझसे कभी ये भी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो मुझे छोड़ना चाहती है? देखो, आपको जो मानना है वो मान, ठीक है, पर इस टाइम बेला को उसके यूवी की जरूरत है जो रेस्ट कर रही है। मैं उसके लिए ब्लैंकेट और हल्दी का दूध देने जा रहा हूं, ओके? कोई जरूरत नहीं जाने की, मैं ले आऊंगा। अच्छी बात है, मैं भी तो यही चाहता था कि तुम यहां से जाओ माहिर साइकिल। आपका नागरानी जी, स्वप्न लोक से इंसान के रूप में आपका स्वागत है, और अब आपको मैं मृत्यु लोक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूंगा सासू माँ। अफसोस है सासू माँ कि आज ही मुझे आपका स्वागत करना पड़ रहा है, और आज ही मुझे आपकी विदाई भी करनी पड़ेगी। आप यहाँ पहुंची कैसे? कौन मदद कर रहा है आपकी? नाम बताओ मुझे उसका।
क्या हुआ बेला, तुम इतना डरी हुई क्यों? कोई बुरा सपना देखा तुमने? फिर से अपने सपने में माँ को देखा विक्रांत। क्या कह रही थी नागरानी? फिर से वही बात कि मुझे सतर्क रहना चाहिए और मुझे खतरा है और कोई मेरा भरोसा तोड़ देगा। वो तो मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ कि माहिर तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा। विक्रांत तुम माहिर पे शक क्यों करते हो? तो फिर क्या करूं? क्या तुम सबसे ज्यादा भरोसा उस माहिर पर नहीं करती हो? माँ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो विक्रांत। मेरी परेशानी की वजह कुछ और। माँ इस तरह बार बार मेरे सपने में आती है और वो सपने जैसा नहीं लगता विक्रांत, वो सब सच लगता है। मुझे बार बार ऐसा ही लगता है कि किस वो अपने लोग से आके सबसे लोग से कैसे बात कर सकती है तुमसे? मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ लेकिन नागरानी माँ मर चुकी है। और जिंदा भी थी तो अब नहीं रहेगी। विक्रांत तुम नहीं समझ रहे, कुछ है जो हमसे छूट रहा है, कोई ऐसी कड़ी जो हम पकड़ नहीं पा रहे। तुम खुद सोचो, अगर वो जिंदा नहीं होती तो वो दो बार मेरे सपने में आके एक ही बात मुझसे क्यों करती? मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देख पा रही है। वो कहीं ऐसी जगह पर है जहां से वो जानती है कि मेरा क्या हाल है, या वो मेरे पे आने वाले खतरे को देख पा रही है। तुम्हें पता है वो परीक्षा लेने की बात कर रही थी, किसी संकेत की बात कर रही थी। क्या मतलब? जब मैंने उनसे पूछा था उन्होंने किसी निशाने के बारे में बताया था। आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही रूही मेरी बात सुन, तेरी बच्ची मेरी बात सुन, मैं तुझे उसकी निशानी बताती हूँ। और जैसे मैं बता रही हूँ ना, अगर तूने वैसे ही उसकी परीक्षा ली तो फिर तू जान पाएगी बेटा, तू जान पाएगी कि वो इंसान तेरे भरोसे के लायक है क्या नहीं। बताओ मुझे बेला, तुम चुप चुप क्यों हो गई? कैसी निशानी, क्या कैसी परीक्षा? बताओ मुझे कौन है वो इंसान, बताओ मुझे कौन है वो, परीक्षा क्या है मुझे बताओ। हाथ छोड़ा मेरा विक्रांत, मुझे नहीं कुछ याद आ रहा है, मैं नींद में थी, इससे ज्यादा मुझे नहीं कुछ समझ में आया। और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा, कहना मुझे तुम्हारी भरपाई, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। और मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई तुम्हें धोखा देना चाहता है, कोई तुम्हें दर्द देना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हें काम करो ना, तुम आराम कर लो, सो जाओ। मुझे नहीं, तुम्हें सोना होगा। मेरा मतलब है कि तुम आज चक्कर खा के गिर गई थी, थोड़ा आराम कर लो, कितनी थकी हुई हो, सो जाओ। मैंने बोला ना मुझे मिलो फटाफट, कम ऑन जल्दी। एक सेकंड यूवी। सुनील तुम? हाँ, और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? गौतम आदि, यू नो व्हाट, जिस दिन हमारी बहस हुई हो तुम वहां से भाग गई, मुझे लगा कि पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बनने से पहले ब्रेकअप हो गया। अच्छा? सॉरी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गई। यू नो व्हाट, तुम इधर हो कोने में, आई एम ऑल रेडी, कम ऑन किस मी। मुंह बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उस रात को क्या हुआ था, इसीलिए तो मैं वापस आई हूँ। लिसन टू मी, उस रात को जब हम पार्टी करके वापस आए थे और यहाँ रुकने का सोच रहे थे तो आई नो उस इडियट आदि ने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी, उसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी यार। आई नो, मैं तुम दोनों से लड़ पड़ी। वही तो, मेरा दिल टूट गया था, मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाया, मैं वहाँ से चला गया, बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम वापस आ गई। उल्टो, जब मैं उस रात को वापस आई थी तो अनु, आई नो अनु, उसी दिन वो अनु का हादसा भी हुआ था ना। क्या हुआ, आर यू ओके? तुमने कुछ देखा था क्या? क्या अनु, अनु अब जेल से मुझे बताओ कि मैं रोहित को क्या कहा था, किस चेतावनी, किस निशानी, किस इम्तिहान के बारे में मुझसे बात कर रही थी, बताओ मुझे। बचाओ, मेरी मदद करो कोई है, बचाओ। कौन रोहित है यहाँ? हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं, और हम क्या इतने बेवकूफ हैं
कि आपको किसी ऐसी जगह ले आएंगे जहाँ लोग कोसों दूर तक यहाँ कोई नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए चीखना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि बेला को क्या कहा था आपने, बताओ वरना वरना क्या वरना क्या मार डालोगी मुझे? ठीक है, मार डालो अच्छा है। फिर मैंने रूही से क्या कहा ना, ये तुम दोनों को कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो तुम दोनों, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी।